यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। एंड जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक फूड फार्म बनाया, उसके साथ साथ एक प्यार सा हट बनाया था। गाइस इसे मत देखो, ये मैं आयरन फार्म बनाने की कोशिश कर रहा था, बट आयरन फार्म मेरा वर्क नहीं किया। एंड बाकी फूड फार्म देखो हमारा कितना ज़्यादा एपिक वर्क कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास 25% एंड वन स्टेक मैंने यहाँ पर अपने लिए वीट रख रखा है। तो चलो जल्दी मैं यहाँ पर इस वाले एरिया पर बनाने वाला हूँ ट्रेडिंग हॉल, जो फ्लैट एरिया है, तो फ्लैट एरिया पर हम लोग ट्रेडिंग हॉल बनाते हैं। तो चलो यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करता हूँ। 1 ब्लॉक 2 3 4 5 जितने भी हो रहे हैं उतना ज़्यादा लगा देता हूँ भाई, क्योंकि देखो ना ज़्यादा जॉइंट बनाएंगे ना ज़्यादा स्मॉल बनाएंगे, बिकॉज देखो ज़्यादा जॉइंट हो गया तो भी दिक्कत, एंड ज़्यादा छोटा रहेगा तो भी दिक्कत। एंड बाकी इतना छोटा ही मेरे हिसाब से ज़्यादा रहेगा, बट चलो यहाँ पर एक ब्लॉक और एक्सटेंड करने के बाद इसको हम लोग उतना तेज़ लगाते हैं ना, जितना तेज़ भाई एकदम रॉकेट लॉन्चर की तरह हम लोग इसको करने वाले हैं। तो चलो जल्दी यहाँ पर हम खूब सारे कोबलस्टोन्स को लगा देते हैं। एंड इस वाले कोबलस्टोन लगाने के बाद यहाँ पर ये वाला जो कोबलस्टोन था ये बच गया था, तो चलो इसको मैं तोड़ देता हूँ जल्दी से इस वाले कोबलस्टोन को। एंड इसको तोड़ने के बाद गाइस मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ बीच में भी कोबलस्टोन, बिकॉज वुड मेरे पास काफ़ी सारे हैं, बट मैं अभी वुड का यूज़ नहीं करने वाला। एंड एक राउंड में वुड लगाऊंगा, एंड उसके बाद एक राउंड में कोबलस्टोन लगाने वाला हूँ। चलो जल्दी से फ्लोरिंग को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस फाइनली फ्लोरिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का लुक आ रहा था। मैं यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़कर फिर कोबलस्टोन लगा था, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो गाइस मैंने इसलिए इतना काम किया। एंड उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ ओक प्लैंक्स के वुड का। तो चलो 1 2 3 ब्लॉक एक्सटेंड कर देते हैं, एंड ओवरऑल 4th ब्लॉक भी इसी वक्त लगाते चलते हैं। एंड यहाँ पर आधे आधे की एचपी जाएगी, मतलब अप्रॉक्स तो मेरा हो जाएगा 4 की एचपी। एंड ये शायद एक ब्लॉक ज़्यादा लगे, लेकिन चलो नीचे देखते हैं। हाँ ये 4 ही ब्लॉक्स लगे हैं, तो चलो इसको भी 4 ब्लॉक हम लोग लगाते हैं। 1 2 3 एंड 4th ब्लॉक इसको भी लगाने के बाद फाइनली अब मैं लास्ट वाले पिलर को लगाने वाला हूँ। 1 2 3 लो भाई, ज़्यादा एपी के चक्कर में ख़राब भी कर लिया मैंने। एंड बाकी यार ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे जंप करके। चलो मैं कोबलस्टोन यूज़ करके थोड़े से डिग डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद मेरे पास आयरन की पिकेक्स है, और जल्दी से हम लोग इसको माइन कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोगों के पास डूर होनी चाहिए, बट अभी नहीं है, तो चलो एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं जल्दी से। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मुझे बनाना था एक प्यारा सा डूर, और जिसे मुझे लगाना था इस वाले डायरेक्शन। अब कितनी बार बनाऊँ यार, मैंने 2 बना लिया, चलो कोई बात नहीं बाद में यूज़ कर ही लेंगे इसको। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद यहाँ पर जो कोबलस्टोन लिखा है इसको हटाते हैं। एंड उसके बाद जल्दी से यहाँ से हम लोग बना लेते हैं कुछ डूर जो मुझे ओक वाली कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो चलो ओक की डूर बनाते हैं, एंड इसको ट्रेडिंग हॉल के अंदर हम लोग लगाने वाले हैं। एंड बाकी हम लोग गिन लेते हैं भाई, सेंटर में एकदम लगाने वाले हैं हम लोग इसको। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो चलो 1 2 3 4 5 एंड 6 वाले ब्लॉक पर हम इसको इस वाले डायरेक्शन पर लगाएंगे। देन ये अंदर से लगेगा तो कुछ ज़्यादा ही मस्त लगेगा। एंड बाकी ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास खूब सारे अभी वो प्लैंक्स के उड़ मिल रहे हैं। तो चलो जल्दी से इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पर, एंड देखता हूँ ये कैसा लगने वाला है हमारा ट्रेडिंग हॉल। तो चलो यहाँ पर भी हम लोग लगाते हैं 1 2 3 ब्लॉक्स, एंड उसके बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग इससे। उसके बाद इसको मैं स्ट्रिप करने वाला हूँ, तो चलो जल्दी से इसको स्ट्रिप करते हैं। स्ट्रिप करने के बाद लुक जो आती है ना भाई, कसम से एकदम खूब ज़्यादा ही ओपी आ जाती है। तो चलो जल्दी से इसको हम लोग स्ट्रिप कर देते हैं। एंड ये देखो भाई, इसको भी मैं स्ट्रिप करने वाला, बट अभी स्ट्रिप नहीं करने वाला इस वाली चीज़ को। तो चलो सबसे पहले मुझे यहाँ पर यूज़ करना है यहाँ पर कुछ ओक के प्लैंक्स। तो चलो यहाँ से लगाता हूँ 1 2 3 एंड 4th ब्लॉक। एंड उसके मुझे लग रहा है भाई यहाँ पर मुझे कोबलस्टोन लगाना चाहिए, कोबलस्टोन कुछ ज़्यादा ही एपिक लगने वाले हैं। तो चलो कोबलस्टोन को यूज़ करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, एंड यहाँ पर अब हम बाद में लगा देंगे यहाँ पर थोड़े से ओक जो मैं अपने हिसाब से लगाने वाला हूँ, बट यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस करने वाला हूँ। 1 2 3 4 एंड भाई ये 3 ब्लॉक्स लगे हैं, तो 4 इसको मुझे लगाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर इतना काम करने के बाद हम लोग सिंपल वही सेम प्रोसेस इधर भी अपनाते हैं। एंड इतना लगाने के बाद मुझे यहाँ पर नीचे आ जाना है, एंड यहाँ पर 1 2 3 एंड 4th ब्लॉक लगा देना होगा, एक ब्लॉक यहाँ पर भी। एंड बाकी देख सकते हो एंट्रेंस कुछ ज़्यादा ही मस्त लग रही है ओवरऑल, आप देख सकते हो। एंड एंट्रेंस को मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद जाऊंगा सोने, बिकॉज यार कितना भी रात हो जाए जल्दी जल्दी हमको इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है, अपने ट्रेडिंग हॉल को कंप्लीट करना है। तो ओवरऑल इतना देखा जाए तो भाई इतना तो कुछ ज़्यादा ही एपिक लगने लगा, कुछ ज़्यादा न्यू टाइप से मतलब इसको मैंने बनाया है। अभी तक गाइस मैंने कोई भी यूट्यूबर ट्यूटोरियल नहीं देखा था इस चीज़ का, लेकिन फिर भी भाई देखते हैं कैसा बन रहा है अभी तक। तो अभी तक तो अच्छा ही बन रहा है, बट हाँ देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसको कनेक्ट करना था एक दूसरे से, तो यहाँ पर एक ब्लॉक ये रह रहा है, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। एंड बाकी चलते हैं सुबह, एंड सुबह आने के बाद हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को आगे ले चलेंगे।
गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग आ चुके हैं वापस अपने उसी कंस्ट्रक्शन को आगे लेके चलने के लिए। एंड बाकी ऊपर देखो भाई, विलेज मुझे कुछ ज़्यादा ही पे लग रहा है। मुझे वहाँ पर ऊपर उस वाली विलेज को तोड़कर अपना हाउस बनाना चाहिए, बट अभी मैं नहीं बना रहा। अभी यहाँ पर विलेजिंग, ये जो विलेजर का हॉल है, इसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ जल्दी से। उसके बाद हम लोग जो भी काम आगे करना है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर थोड़े से कोबलस्टोन्स लगाने पड़ेंगे। एंड बाकी ओवरऑल तो भाई मुझे कुछ ज़्यादा ही मस्त लग रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना भाई। एंड यहाँ पर मैं लगाता हूँ थोड़े से और यहाँ पर कोबलस्टोन्स। एंड बाकी इतना हो जाने के बाद मुझे ऊपर कुछ नहीं लगाना, यहाँ पर ऊपर हम लोग स्टेयर्स लगाएंगे। बट हाँ, अब चलते हैं अंदर। एंड यहाँ पर मुझे थोड़े से स्टेयर चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी है, बट मैं यहीं से बना लेता हूँ क्योंकि स्टेयर का यूज होने वाला, स्टेयर वेस्ट तो जाने वाले हैं नहीं। तो चलो जल्दी से यहाँ पर मैं 4 स्टेयर फिलहाल के लिए बनाने वाला हूँ, एंड बाकी हम लोग बाद में उतना कर लेंगे। एंड इतना हो जाने के बाद देख सकते हो भाई, कुछ ज़्यादा मस्त एंट्रेंस हो चुकी है इसकी। एंड वही सेम प्रोसेस हम लोग इस साइड भी करने वाले हैं। इस साइड हम लोग लगाने वाले हैं थोड़े से उड़ की थीम, क्योंकि एक साइड कॉबलस्टोन एंड एक साइड उड़ की थीम। इस साइड वाली पूरी उड़ की थीम रहेगी एंड इस साइड दोनों कॉबलस्टोन के रहने वाले हैं। तो चलो, यहाँ पर मेरे पास कॉबलस्टोन काफ़ी सारे हैं, तो चलो यहाँ से कॉबलस्टोन को पिक करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग इस कॉबलस्टोन को जैसे जैसे उसमें लगाया था उस वाली साइड से इस साइड भी वैसे सेम लगाते चलते हैं। एंड गाइस, फाइनली यहाँ पर मैंने इतना काम तो कर दिया, आप लोग देख सकते हो। एंड चलो सेम वही प्रोसेस इस साइड भी करते हैं। इस साइड मुझे उड का यूज़ करना है, तो चलो यहाँ पर उड यूज करना हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इस वाले डायरेक्शन पर। देन वही सेम प्रोसेस हम लोग इस साइड भी करना पड़ेगा, एंड वही सेम प्रोसेस उस साइड भी। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर एक दो उड ब्लॉक्स लगा देते हैं यहाँ पर, एंड थोड़े से ऊपर भी मुझे लगाने पड़ेंगे बिकॉज थोड़ा सा मजबूरी है भाई, नहीं लगाएंगे तो ओपी नहीं लगने वाला। तो हम लोग इस वाली ट्रेडिंग हॉल को कुछ ज़्यादा ही एपिक बनाने वाले हैं, विलेजर हॉल बोलो या ट्रेडिंग हॉल बोलो। एंड यहाँ पर इतना लगाने के बाद विलेजर हम लोग भाई अपने विलेज से ले आएंगे, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर बाजू में ही विलेज था। एंड ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन तो कर लिया, एंड बाकी अब इसका रूफ एंड थोड़े से ग्लासेस लगाने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर। एंड भाई मैं सोच रहा हूँ इस साइड में क्या ही लगाएं, इस साइड में कॉबलस्टोन लगा कर इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ओपन एरिया हम लोग नहीं करने वाले इस साइड में। एंड ट्रेडिंग हॉल मुझे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही छोटा बन रहा है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। एंड इस साइड भी हम लोग लगाने वाले हैं कॉबलस्टोन को, क्योंकि सिमिलरिटी होनी चाहिए दोनों तरफ। एंड इतना लगाने के बाद अब हमारे पास ग्लासेस की पूरी पेन की 56 हैं, तो चलो यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको लगा देते हैं। एंड भाई देख सकते हो मुझे तो कुछ ज़्यादा मस्त लग रहा है, बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना। एंड विलेजर को हम लोग यहाँ पर अपने हिसाब से स्पॉन कर लेंगे, मतलब स्पॉन नहीं करने वाले, मैं यहाँ से स्पॉन करके ले आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर भाई अपने पास बाजू में ही एक विलेज है। एंड विलेज जब है तो भाई डरने की क्या बात, एंड विलेज से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इजीली बोर्ड बनाकर ला सकते हैं। एंड इतना लगाने के बाद अब हमको करना कुछ नहीं, यहाँ पर ऊपर की जो इसकी छत है उसको कम्प्लीट करना। तो चलो छत को देखते हैं भाई हम लोग कैसे कम्प्लीट करने वाले हैं, तो देखते हैं भाई आगे वीडियो में। एंड फाइनली गाइज, ये हमारा ट्रेडिंग हॉल बनके रेडी हो चुका है। ओवरऑल देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ये पिक लग रहा है मुझे तो, बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना गाइज। एंड देख सकते हो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं ब्लैक स्मिथ्स को एंड बाकी सारे ट्रेडर्स को। एंड यहाँ पर उनके लिए कुछ बेड्स लगा देंगे, एंड बाकी अंडरग्राउंड हम लोग कर देंगे। एंड गाइज आपको कैसी लगी ये वाली इंटरेस्ट, मुझे पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं सेम मेज वीडियो को, एंड थर्ड पार्ट जल्दी से जल्दी चाहने के लिए फर्स्ट कमेंट में आप लोग को कमेंट कर देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पार्ट 3 दिन में जल्दी से जल्दी वीडियो ले आऊँगा, तो सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट वीडियोज़।